कौन है पसंद कुछ समझ ना आए मुझे। हाँ जी, किदा की हाल चाल है तुहाडा? मैं उम्मीद करता सारे वधिया होगे। एंड वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल TLU। ते आज असी रिएक्ट करन जा रहे ने मूफार ते ध्रुव स्टैटिक दे नवे गाने उते जिदा नाम है हाय मुझे। और इनका जो पिछला गाना था उसके साथ आया था प्रभजन के साथ मिलते रहे, वो गाना भी अच्छा लगा था। वाइब अच्छी थी उस गाने की, बहुत बढ़िया लगा था वो। जिस तरह से मेलोडी वगैरह अच्छा लगा वो रैप जो साथ। पहला गाना है अंबरा वो रह रहा है, उस पर भी हम जरूर ऐड करेंगे। और इस गाने की हाइप पाजी बहुत बनी हुई है क्योंकि ध्रुव स्टैटिक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है। ये तो हाँ, सोशल मीडिया पे भी बहुत मतलब ध्रुव ने एक अटेंशन गेन कर लिया था। हाँ, एक गाना आया था भाई, बहुत सही बात बोली, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड पे था। मैं बताया भी था कि भाई इनके गाने बड़े पसंद आ रहे थे, मैं बताया था कि एक गाना फैटिश सुनना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मूफार इस समय जो जिस तरह से गाने बना रहा है वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब दोनों तरफ के गुलाबी पी के भी और अपने सैलाब के भी बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। तो इस गाने से भी एक्सपेक्टेशंस बहुत है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। इसमें म्यूजिक वगैरह किसका होगा पाजी? मुझे लगता है मुफार का, ध्रुव स्टैटिक दोनों मिलकर ही होगा। मुफार का म्यूजिक, कंपोजर मुफार, लिरिक्स दोनों के। अच्छा ऐसा, तो चलो भाई सुनते हैं फिर। ओके भाई जी, अच्छा लगा। सिंपल पसंद कुछ समझ ना आए मुझे, समझ ना आए मुझे, जवानों ने पागल कर रखा है पहाड़ रोने आए मुझे। कौन है पसंद कुछ समझ ना आए मुझे, वो देख इंटेंट अच्छे थोड़ा। हाँ, वो वैसे बीट बंदी वो जो गुजरे तो चल पड़े हवाएं, जान हिले जाए उठ के झुकते निगाहें। ये जो एलिमेंट जगे जो मेरे साथ में, उठते ही मुझे सुट्टे के साथ जाए। है मनाली के पहाड़ों की अधूम की, पर पेट्रोल भी करे वो करे बूम भी। हिंदी क्यों रहे मुझे साथ तेरे ट्रैक पे, मैं थामू जो हाथ लेता कभी कभी चूम भी। बंदी तू पसंद है क्योंकि अपने में मस्त लव हुआ काफी बार, पर लग थी तू फर्स्ट। हंसते हंसाते ले चलूंगा आज तेरे सारे कष्ट, लेके पास कर दूंगा तुझे कष्ट। जबनों ने पागल कर रखा है पहाड़ रोने आए मुझे, कौन है पसंद कुछ समझ ना आए मुझे, समझ ना आए मुझे। जबनों ने पागल कर रखा है पहाड़ रोने आए मुझे, कुछ समझ ना आए मुझे। ये क्या चल रहा है यार, मैं सबसे सोच रहा हूँ वो इसमें सुना तुमने तो पीछे, पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, अभी बजे तो सुना हूँ मैं ये। ये एक इंस्ट्रूमेंट है वो बड़े एकदम। हाँ, थोड़ा सहाय मैं करूं ब्लंट बूम, तू बैठे साइड पे, बाकी जानते सारे माइक पे साइक है और भाई रे जाई के। तो चल इसके बजावनों ने पागल कर रखा है पहाड़ रोने आए मुझे, कौन है पसंद कुछ समझ ना आए मुझे, समझ ना आए मुझे। पंजाबनों ने पागल कर रखा है पहाड़ रोने, पंजाबनों कह रहा है पंजाबनों पागल कर रखा है पहाड़ रोने आए मुझे, कौन है पसंद कुछ समझ ना आए मुझे, समझ ना आए मुझे। पंजाबनों ने पागल कर रखा है पहाड़ रोने आए मुझे, कौन है पसंद कुछ समझ ना आए मुझे। तेरी आंखों से निकला तो अजय बालों में, चुप हूँ मैं जितना तू उतनी ख्यालों में। मुझे क्रश करते देखे मारे ब्लश, खामोशी तेरी लालों के दिखती है गालों में। सुन इशारे मत कर मुझे समझ नहीं आते, मैं सुनता हूँ जब बोल नजदीक आके, मुंह खोले या ना खोले मेरे लेन जो पे, तेरे होठो से ज्यादा तेरी हंसती है आंख। मैं उनके जैसा नहीं जो रखते बंदी बना के कानून, मैं प्यार का बेबी अंधी है आंखें। चाहिए सुकून तो चल मेरे साथ, मैं भाग जाऊंगा तेरे दिल की घंटी बजा के। उन्होंने पागल कर रखा कौन है पसंद कुछ समझ ना आए मुझे। ये बहुत होता है लड़कों के साथ।
अगली पेशकश BDSM। अच्छा EP? ओहो जलवा है भाई इसका EP। ये EP खत्म होगी तो कहता लो नेक्स्ट EP लो, क्योंकि इस EP में पीतरा सिर्फ तीन ही गाने थे गुलाबी EP में। अच्छा ये आखिरी ट्रैक ये लास्ट ट्रैक तो तभी कहता एक और लो। अच्छा, नेक्स्ट EP होती भी ऐसी है जनरली, मतलब बहुत लंबी नहीं होती है। हाँ। ऐसी ही होती जैसे EP मिक्सटेप और एल्बम। हाँ, ये कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल ये चीज है। हाँ मिक्सटेप तो मतलब अलग ही हो गया, मिक्सटेप तो कुछ कितने भी गानों का हो सकता है, वो EP थोड़े कम गानों का ही ज्यादातर होता है। कम गानों का होता है, उसके बाद फिर अक्सर लोग क्या करते हैं एक साथ आ देते हैं। अब जैसे इसने क्या किया एक एक करके डाला। हाँ, और तो पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं हमने उनका देखा वो तो अलग ही है, एक एक महीने बाद डालते हैं। तो ये सबका अपना अपना एक वो रहता है, एल्बम का कैसे प्रेजेंट करनी एल्बम वो अपना अपना होता है। गाना कैसा लगा? गाना तो अच्छा लगा मुझे, तुम्हें कैसा लगा गाना? भाई गाना पिछला वाला गाना ना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने क्यों इससे एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत थी। इसमें वीडियो में इन्होंने ज्यादा फोकस किया और क्या कहते हैं जो डांस स्टेप्स वो सब उस पर ज्यादा फोकस किया। गाना सही था, थोड़ा कमर्शियल टच रखने की इसमें कोशिश कर रहे थे। एक हाँ। चीज पता नहीं वो तुम्हें लगी कि नहीं, स्टार्टिंग का जितना था ना ध्रुव के पहले का जितना पार्ट था। हाँ, हाँ। मुफाड़ का उसमें आवाज हल्की सी दबी हुई, मतलब म्यूजिक जो था ओवर पार कर रहा था उसकी आवाज हल्की सी। या तो उन्होंने उसके अलावा भी जो भी वर्स चल रहे थे, हाँ मुझे तो चलो हो सकता है उन्होंने हुक है इसलिए थोड़ा पैसा रखा हो, बट बाकी वर्स भी मुझे लग रहा था कि म्यूजिक ओवर पार कर रहा था उसमें। जैसे मिक्सर में शायद ये काम होता है ना कि वहां पे मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा। और बाजी जैसे मैंने ना ध्रुव स्टेटी को जितने इनके गाने सुने इसमें थोड़ा सा नया लगा। और एक चीज और, पहली बार ये वीडियो में आया क्योंकि अब तक जो गाने थे ये मतलब ऐसे ऑडियो ही आती थी। हाँ ये बात तो जो है। इसका एक गाना था शी हिट द फ्लोर, उसकी वीडियो डिजर्व करता था, वो गाना बहुत अच्छा था। हजस के साथ गाना आया था, जितने भी अगर उन्होंने जो जिसने भी यार गाना सुना होगा तो वो रिलेट कर सकता है कि वो गाना ज्यादा अच्छा था इस गाने से। भाई ठीक है यार, नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, वीडियो में मतलब ज्यादा फोकस करा। ठीक है बढ़िया, और इतना मतलब कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है और ईपी पे ईपी आ रही तो ठीक है यार। भाई तो ईपी खत्म, लो भाई अगली पेश कर, अगली पेश कर। हाँ तो सही है, सही है ना। हाँ तो जो भी यार मूफार ध्रुव स्टैटिक उनकी ऑडियंस है यार, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना वीडियो को। और जो भी नए हैं जाके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इसी के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।